नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, बीएमएस सेकंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको धातुओं के बारे में, पिछले अध्याय में धातुओं के बारे में वर्णन किया गया है। स्वर्ण धातु का वर्णन पूर्ण रूप से आपको बता दिया गया है, उसके शोधन की प्रक्रिया, उसके मारण की प्रक्रिया, उसके गुण सब आपको बता दिए गए हैं, उसको याद करना। अब मैं आपको धातु प्रकरण में ही अगला जो धातु है रजत, सिल्वर धातु के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सिल्वर स्वर्ण के बाद सिल्वर का ही नंबर है, चांदी धातु, इसका नाम संस्कृत में रजत है, रौप्य है, तार है, हिंदी में चांदी कहते हैं, अंग्रेजी में सिल्वर कहते हैं, लैटिन नाम इसका अर्जेंटीनम है, संकेत Ag है, विशिष्ट गुरुत्व 10.5 है, परमाणु संख्या 47 है, परमाणु भार 107.88 है, द्रव्यमानांक 960.5 डिग्री सेंटीग्रेड से, क्वथनांक 1955 डिग्री सेंटीग्रेड, परमाणु बंधन क्षमता 1 काठिन्य 2.5 से 3 तक, इस प्रकार से इसका वर्णन शास्त्रों में उपलब्ध होता है। घुलनशीलता इसकी यह है नाइट्रिक एसिड तथा एसिड में घुल जाता है। यह ताप एवं विद्युत का उत्तम वाहक है, ताप का और विद्युत का उत्तम वाहक है। पर्याय इसका रजत, रुचिर, रौप्य, तार, सौध, महाशुभ, शुभ्रक, रूपक, चंद्रलोह, चंद्रहास, दुर्वर्णक तथा चंद्रमा के सभी पर्याय जो है वो रौप्य एवं चांदी के पर्याय कहे जाते हैं। इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। उत्पत्ति त्रिपुरासुर वध के लिए क्रोध से खुले शिव के तीसरे नेत्र के अश्रु बिंदु से रजत की उत्पत्ति हुई, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है। त्रिसरासुर जो राक्षस था उसके वध के लिए क्रोध से जब शिव ने तीसरा नेत्र खोला, उस तीसरा नेत्र खोलने से उसमें जो अश्रु बिंदु गिरी उससे रजत की उत्पत्ति मानी गई है। दूसरा, भगवान श्री राम के खड़ाऊ के स्पर्श से वंग कृत्रिम रजत में परिणित हो गया, ऐसा भी शास्त्र में उल्लेख है। तीसरा, पौराणिक मान्यता के अनुसार चंद्रमा के शुक्र से रजत की उत्पत्ति हुई, चंद्रमा के शुक्र से रजत की उत्पत्ति हुई ऐसा भी माना जाता है। इतिहास में क्या है, अत्यंत प्राचीन काल से इसका रजत का ज्ञान था। वैदिक साहित्य में अनेकों स्थान पर उल्लेख मिलता है। संहिता काल में इसके पत्र, उपकरण तथा औषधि के रूप में इसका प्रयोग, रसशास्त्र के विकास क्रम में इसके भेद, शोधन, मारण आदि का प्रयोग कई ग्रंथों में प्राप्त होता है। इससे प्रतीत होता है कि इसका ज्ञान प्राचीन काल से था। परिचय, यह भूरे श्वेत वर्ण की धातु है। स्वर्ण के पश्चात ये दूसरी सब धातुओं से अत्यंत मृदु और फैलने वाली धातु है, उच्च धातु कहलाती है, कीमती धातु है। पतले तार में पतले चद्दर बनाए जाते हैं, इसका पत्तर 1/10,000 इंच की मोटाई का बन सकता है। गंधक युक्त जलवायु का इस पर शीघ्र प्रभाव पड़ जाता है, ये काला पड़ जाता है। काठिन्य के लिए
ताप ताम्र मिलाया जाता है इसकी, इसको कठिनता बनाने के लिए इसमें ताम्र मिलाया जाता है, वरना ये बहुत मृदु है। शुद्धता की परीक्षा कैसे करेंगे इसके बारे में है कि इसके लिए चांदी पर एक बूंद सूर्य का तेजाब डालकर देखते हैं, यदि बूंद वाली जगह पर गहरा सा नीला हरा दाग पड़ जाए तो चांदी में ताम्र मिला है, ये समझना चाहिए। गहरा अगर जहाँ बूंद डाली है पानी डाल वो डाला है उसमें अगर गहरा नीला हरा दाग पड़ जाए तो समझो ताम्र मिला हुआ है। वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लंबे समय से इसका उपयोग सिक्कों आभूषण एवं पात्र के रूप में होता है आ रहा है। वर्तमान में आभूषण वर्क सिक्के इलेक्ट्रोफ्लिक करने फोटोग्राफी तथा सिल्वर नाइट्रेट बनाने के काम में लिया जाता है। प्राप्ति स्थान इसका ये स्वतंत्र और खनिज के रूप में प्राप्त होता है। यह मुख्य रूप से नाग यशद लेड और जिंक एवं ताम्र कॉपर के रूप में साथ अल्पांश में प्राप्त होता है। प्राप्ति स्थान इसका रजत का सबसे बड़ा उत्पादक देश मेक्सिको है। इसके अतिरिक्त कनाडा पेरू ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका जापान जर्मनी स्वीडन तथा अन्य देशों में भी पाया जाता है। भारत में यह जावर राजस्थान जावर माइंस राजस्थान में दुर्ग कांगड़ा आदि स्थानों पर पाया जाता है। स्वर्ण के खनिज के रूप के साथ किंचित मात्रा में कोलार आदि स्थानों पर प्राप्त होता है। रजत के भेद तीन भेद बताए गए हैं शास्त्रों में, सहज खनिज और कृत्रिम। सहज नेटिव सिल्वर सर्वश्रेष्ठ है, खनिज और सिल्वर श्रेष्ठतर है, कृत्रिम रसबद्ध रजत श्रेष्ठ है। इसमें सहज रौप्य की उत्पत्ति कैलाश पर्वत पर, खनिज की हिमालय पर्वत पर और कृत्रिम रसवेद से नाग वंग और यशद आदि द्वारा प्राप्त होता है। सहज रजत स्पर्श मात्र से रोगनाशक किंतु दुर्लभ तथा खनिज रजत रसायन गुण वाला कहा जाता है। सहज जो है स्पर्श मात्र से ही रोगों को हरण करने वाला, लेकिन दुर्लभ है मिलता ही नहीं है, और जो खनिज है रजत वो रसायन गुण वाला कहा जाता है। ग्राही रजत कौन सा होना चाहिए जो इसको ग्रहण करें रजत को, कठिन स्वच्छ भारी स्निग्ध गर्म करने या काटने पीटने पर मृदु एवं श्वेत चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाला शंख की आभा वाला चिकना स्फोट रहित रजत उत्तम माना जाता है। ग्राह्य रजत कैसा है, अग्राह्य रजत जिसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, जो रजत तपाने पर लाल काली अथवा पीली हो जाती है, जो रूक्ष है छिद्रयुक्त है वजन में हल्की है मोटे अंग वाली है और खुरदरी हो, इन आठ गुणों में से किसी भी गुण से युक्त होने पर उसे त्याज्य समझना चाहिए। गुण क्या अवगुण हो गए ये इसके, ठीक है इनको प्रयोग करना चाहिए। शोधन की आवश्यकता क्यों है, किसी भी औषधि बनाने से पहले किसी भी धातु की उसको शोधन करना आवश्यक है, वरना वो तरह तरह के रोगों को उत्पन्न करती है। अशुद्ध अथवा अमारित रजत आयु शुक्र बल का नाश करता है और शरीर में संताप ताप बढ़ा देता है, मलावरोध आदि अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। अतः इसका शास्त्रोक्त विधि से शोधन एवं मारण करने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। रजत का सामान्य शोधन लोहे के सामान्य शोधन की तरह रजत का भी कंटक विधि पत्र बनाकर वही सामान्य शोधन में तैलम तक्रम गवा मूत्रम वही विधि तैल तक्र गौमूत्र कांजी एवं कुलित क्वाथ में क्रमशः सात सात बार प्रतप्त कर भुजा देने से इसका सामान्य शोधन हो जाता है। विशेष शोधन जब इसका करते हैं उसके लिए है, नंबर एक
रजत की कंटक विधि पत्र बनाकर, कंटक विधि से मतलब क्या है, रजत के इतने महीन पत्र बनाए जाएं जिनको किसी कंटक यानी कांटे से भेद दिया जाए, मतलब कांटा रखो तो छेद हो जाए उसमें, ऐसे उसे कहते हैं कंटक विधि पत्र। ऐसे पत्र बनाए जाएं, बनाकर रक्त प्रतप्त, यानी रक्त प्रतप्त का मतलब बिल्कुल लाल गर्म कर लें, रक्त प्रतप्त कर लें, कर अगस्त का पत्र स्वरस में, मतलब बिल्कुल अत्यधिक गर्म करके बिल्कुल लाल रंग का हो जाए, गर्म करके अगस्त पत्र स्वरस के में 3 बार भुजा देने से रजत शुद्ध हो जाता है। मतलब रजत के कंटक विधि पत्र बना करके उसको प्रतप्त कर, अत्यंत प्रतप्त कर, उसको लाल रंग का हो जाए बिल्कुल, रक्त वर्ण का प्रतप्त कर अगस्त स्वरस में 7 बार 3 बार भुजाने से सिल्वर यानी जो रजत है वो शुद्ध हो जाता है। दूसरा है रक्त प्रतप्त कंटक विधि, मतलब वही लाल हो जाए बिल्कुल, रजत पत्र को खूब मृदु होने तक अनेक बार नींबू सुरेश अथवा चांगिरी सुरेश की भुजाकर रजत शुद्ध हो जाता है। नींबू सुरेश या चांगिरी सुरेश में भुजाने से ठीक हो जाता है। तीसरा है रजत की मूसा में, रजत को मूसा में तेज आंच पर गलाकर उसमें समान भाग सीसा, लेड और टंकन बोरेक्स को डालकर अच्छी प्रकार दमन करें, पश्चात ज्योतिषमती मालकांगनी के तेल में 3 बार भुजा दें, इससे रजत शुद्ध हो जाता है। ये भी शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। अब रजत का मारण, रजत भस्म का मारण कैसे करते हैं, मारण में है रजत का मारण, प्रथम रजत के कंटक विधि पत्र बना लें, रजत के संभाग पारद गंधक समगुण कजली बना लें, कजली को कुमारी स्वरस की घोटकर लेप बना लें। अब रजत पत्र में इस कजली को लेप कर सुखा लें, सराव संपुट में बंद कर उसे 20 उपलों की अग्नि पुट दें। इस विधि से 2 पुट देने से रजत की उत्तम भस्म बन जाती है। सेकंड, स्वर्ण माक्षिक तथा उसके समान भाग शुद्ध गंधक के चूर्ण में अर्क दुग्ध मिलाकर रजत के पत्रों पर लेप कर सुखा लें, सराव संपुट में बंद कर लघु पुट में अग्नि दें। इस प्रकार 3 पुट देने से रजत की अच्छी भस्म बन जाती है। शुद्ध रजत के चूर्ण को पत्र को शुद्ध पारद के साथ पिष्टी बनाकर इस पारद में पिष्टी से पारद के संभाग गंधक और हड़ताल बनाकर अच्छी प्रकार से घोटें। इसे कपड़ मिट्टी की हुई कांच कूपी में भरकर बालू का यंत्र विधि से पाक करें। कूपी में काष्ठ में ताल सिंदूर तथा तल में रजत भस्म प्राप्त होती है। इस रजत भस्म में पुनः समान भाग गंधक व हड़ताल मिलाकर नींबू के स्वरस में बर्धन कर टिक्किया बनाकर सुखा लें, संपुट में बंद करें। 7 लघु पुट की अग्नि में पुट देने से रजत की उत्तम भस्म बन जाती है। अगली, शुद्ध स्वर्णमाक्षिक को बिजरा नींबू के रस में घोटकर उस पिष्टी को रजत में पत्रों से लेप करें। अब इन पत्रों को सराव संपुट में बंद कर 30 बार पुट देने से रजत की उत्तम भस्म बन जाती है। रजत भस्म कृष्णवर्ण की होती है। रजत भस्म गुण क्या क्या है, रजत भस्म रस में कषाय, अम्ल, वीर्य में शीत, विपाक में मधुर तथा गुण में स्निग्ध और गुरु और सर है। दोषों में यह है वात एवं कफ दोष का समन करने वाला, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला तथा बल, आयु और मेघा को बढ़ाने वाला होता है ये रजत। रजत भस्म शीतल, अम्ल, कषाय, स्निग्ध, वातनाशक, लघु तथा रसायन विधि पूर्वक सेवन करने से यह संपूर्ण रोगों को नष्ट करने वाला होता है। सुमारित रजत भस्म उत्तम लेखन कर्म करने वाला, वृष्य बलवर्धक, शीतवीर्य होने से पित्त एवं दाह को समन करने वाला।